This topic. What are the significations for imprisonment or jail? कैसे पता करें कि किसी person को imprisonment या jail हो सकती है? तो तीन conditions है और वो तीनों के तीनों conditions अगर fulfill होते हैं तो ही वो particular person को jail हो सकती है. Condition number one, जब हम imprisonment की बात करें तो 12 कस्पल सबलोड को नहीं भूल सकते. ये बेसिक चीज है. 12 कस्पल सबलोड देखना है. इंप्रिजनमेंट के लिए 12 कस्पल सबलोड शुड बी राहु. राहु होना चाहिए. ये एक प्राइम कंडीशन है. 12 कस्पल सबलोड कौन होगा? एग्जैक्टली राहु. प्लस 12 कस्पल सबलोड राहु का जो स्टार लोड होगा एंड जो सब लोड होगा वो दोनों डायरेक्ट मोशन में होने चाहिए. शुड बी डायरेक्ट. देखिए मेरा एक वीडियो है 8th हाउस और 12th हाउस के रिजल्ट से लेके, उसमें मैंने डायरेक्ट और रेट्रोग्रेड की असर प्लेनेट पे क्या होती है मैंने बताया है. प्लीज वो एक बार जरा देख लीजिएगा. अगर राहु का स्टार लोड और सब लोड रेट्रो है तो वो इम्प्रिजनमेंट डिनाई मोड पे चला जाएगा, डिनाई कर देगा. तो कंडीशन नंबर वन, 12 कस्पल सब लोड कौन होना चाहिए? राहु. कंडीशन नंबर टू, उसका जो स्टार लोड होगा, जो सब लोड होगा, वो डायरेक्ट मोशन में होना चाहिए. एंड नंबर थ्री, ये भी प्राइम कंडीशन है, तीनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है. राहु जो है वो कुछ हाउसेस को सिग्निफाइज करता होना चाहिए. राहु शल सिग्निफाइज हाउस नंबर थ्री, हाउस थर्ड. देखिये जेल की बात है तो घर से दूर. फोर्थ हाउस घर है. फोर्थ का 12th हाउस उसको निगेट करेगा. थर्ड हाउस, 8th और 12th, ये तो जरूरी है दोनों. तो अगर राहु सिग्निफाई कर लेता है थर्ड हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस, तो पर्सन को डेफिनेटली ये तीन कंडीशन फुलफिल हो जाने के बाद हो जाएगी. That's all about today. Thank you very much and God bless you.